आदिवासी विकास विभाग के कर्मचारी गुलाब गुप्ता ने कई योजनाओं की राशि अपने व्यक्तिगत खाते में डालकर लाखों का हेरफेर कर रखा था। महालेखाकार के ऑडिट टीम ने इसके बारे में सहायक आयुक्त आदिवासी को जांच कर प्रतिवेदन देने के लिए कहा था, लेकिन विभाग ने इस पर कोई भी जांच और कार्रवाई नहीं की। एमपी लाइव न्यूज संवाददाता ने जब विभाग को इस घोटाले के बारे में पूछा तो विभाग ही सख्ते में आ गया। आदिवासी विभाग की सहायक आयुक्त पूजा द्विवेदी ने तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये केस अभी मेरी नॉलेज में आया है, उनसे बुला के मैंने पूछा है तो उनको कुछ ऐसे आदेश थे कि तत्काल इस राशि का अपने माध्यम से भुगतान कर दिया जाए, बाद में उनको पेमेंट हो जाएगा। बट मैं कुछ भी बोलूँगी तो फाइल देख के ही बोलूँगी। एक बार मैं उस फाइल को पूरा देख लेती हूँ, अगर जिसने भी संबंधित ने गलती की है तो उसका पनिशमेंट उसको मिलेगा। आरोपी गुलाब गुप्ता से जब इस बारे में न्यूज लाइव एमपी की टीम ने बात करनी चाही तो वह कैमरा देख कर भागने लगा और जानकारी देने से मना कर दिया। इंटरव्यू अब आपके खिलाफ ऐसा है, तो आप अपना भी वेंडर बता दो ना थोड़ा सा, क्या भाई है? नहीं बताना हमको, बस नहीं कोई इंटरव्यू नहीं। newslive.mpcg.com को मिली जानकारी के मुताबिक इस तरह के घोटाले में विभाग के और भी कर्मचारी और छात्रावास अधीक्षक शामिल हैं। अगर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो आदिवासियों के हितों से खिलवाड़ और गबन का बड़ा मामला सामने आ सकता है।